दूसरे जो तेरी फ्लैट की बात करती है उसकी सच्चाई बताओ क्या पब्लिक को, कि वो जो बुढ़ा था जिसका वो फ्लैट था, जिसकी बीवी मर गई थी, बुढ़े की और बुढ़े का बेटा बाहर जॉब करता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। कहते हैं कि जब बच्चों को खाना खिलाया जाता है तो सबके नज़रों से छुपा के खिलाया जाता है। मेरी एक फ्रेंड है महामीर, तो जब मैं इब्बू को कैमरा के सामने पहले दूध पिलाती थी तो माँ ने मुझे बोला था कि प्लीज़ इब्बू को कैमरा के सामने दूध मत पिलाया कर, इससे बच्चों को टोक लग जाती है। क्योंकि यही हमारे माँ लोग भी कहते थे और हमारे चाची नानी ताई जो भी, ये लोग सब लोग यही बोलते हैं कि बच्चों को खिलाओ तो छुपा के खिलाओ। लेकिन ये बुढ़ी आज का जो रील्स डाला जिसमें आशू को वो खिला रही थी, उसका भी रील्स बनाया, एटलीस्ट इतना सब कुछ डालती है, वो पार्ट तो नहीं डाल सकती, उसका तो रील्स नहीं बनाना चाहिए था। और उस बच्चे ने जितना नहीं खाया उससे ज़्यादा उसने दिखा के रील्स बनाया ताकि लोगों को लगे कि भाई वो बच्चे को कितना प्यार करे या फिर उनका बॉन्ड जो है कितना अच्छा है। तो बुढ़ी बोलती है कि भाई लोग मेरे नाम पे जो है ना भीख मांगते, मेरे नाम पे बहुत बरकत है, मेरे नाम पे ये है, मेरे नाम पे वो है। तो भाई तेरे नाम पे इतना ही बरकत है तो थोड़ा बहुत बरकत अपने घर में भी कर ले। वही तेरा पुराना बाबा आजम के ज़माने का अश्मिता का जो बिल्डिंग है उसमें 1 BHK का घर, वही पुराना सा भद्दा सा सोफ़ा, वही पुराने काले टूटे बर्तन, वो पुराने ज़माने का टोस्टर और वही घर का पुराना सा बाबा आजम के ज़माने का जो है ना इंटीरियर है। तो 1 BHK का 10x12 के घर पर वही पुराना घर में तो रहती है और दूसरों के घरों की तो बात करती है। ठीक है, तो इतना ही तेरे नाम पे बरकत है तो थोड़ा बहुत बरकत तो अपनी ज़िंदगी में कर ले, अपने बेटों की ज़िंदगी में और उसके जो है ना बिजनेस में जो है ना थोड़ा बरकत डाल दे। क्योंकि तेरे बेटे के हर गाड़ियों में तेरा नाम तो लिखवा ले, ठीक है, उससे शायद तेरे बेटे का जो गाड़ी का धंधा ओला चलाता है उसमें बरकत आ जाए और उसको जो है ना धूप में और रोत मतलब धूप ताप में बारिशों में उसको गाड़ी चलाने की जो है ना गाड़ियों में घूमने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा बहुत बरकत अपने बेटे के बिजनेस पर डाल दे, थोड़ा बहुत अपने नाम से अपने घर में बरकत डाल दे। अगर तेरे नाम पर इतना ही बरकत है तो तेरे घर जो है ना वही बाबा आजम के ज़माने का इंटीरियर नहीं होता और वही टूटा पुराना काले मैले बर्तनों में और वही पुराना सा सोफ़ा जो रिहाना आंटी के पैसे से शायद तूने खरीदी उसमें ली होती। तो बरकत हमको नहीं चाहिए, हमको मत दे, हम अपने रिजक का कमा रहे हैं और हम अपने रिजक का खा रहे हैं, इतना ही तेरे नाम पे बरकत है तो थोड़ा बहुत बरकत दोनों बेटों में बांट दे। ठीक है, और रहा सवाल तो बरकत की बात करिए तो बरकत के साथ साथ थोड़ा बहुत बात जिल्लत की भी कर ले जो तुझे मिल रही है। अल्लाह तुझे जिल्लत भी दे रहा है अपना खा के पूरे सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया तेरे लैंग्वेज में सोशल मीडिया में जो तू जिल कमा रही है, गालियाँ खा रही है, तो सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स 2-4 जो आते हैं तुझे गिन चुन के वो तू बताती है, लेकिन भर भर के 100, 200, 1000 के तादाद में जो तेरे को गालियाँ मिलती है और जिल्लत मिलती है उसके बारे में भी बात कर ले, उसके बारे में क्या ख्याल है? बरकत के साथ साथ अल्लाह तुझे जिल्लत भी दे रही है। और रहा सवाल बरकत की, तुझे बरकत की बात करें तो लोग जो है ना हम तेरी तरफ बकवास नहीं करते हैं, हम हमारा जो वैलिड पॉइंट्स है ना वही रखते हैं, सच बात बोलते हैं और मुद्दे की बात करते हैं, इसीलिए हमारी बात सुनने में लोगों को इंटरेस्ट होता है, इसीलिए सालों साल तक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बातें सुनते हैं। ठीक है, तो अब तो नंगा पत्ते करेंगे, अब तेरे बारे में तो बात करेंगे, अब तेरे बारे में बात करेंगे तो बिना तेरे नाम लिए तो बात करेंगे नहीं, तो इसमें तो अपना बरकत मत समझ। ये हमारा टैलेंट है कि हम तेरा जो सच है आराम से बारीकी से तुझ जैसे शातिर औरत के जो काले चिट्ठे हैं वो हम खोलते हैं और हम अपनी वैलिड बात करते, तेरी तरह बकवास नहीं करते। और रहा सवाल भीख का, तो भीख तो हम तुझे दे रहे हैं, पगली लुच्ची ठरकी बुढ़िया भीख की तो बात करती है, अरे सालों साल से हम ही तो तेरा फ्री का प्रमोशन करा रहे हैं, हम अगर तेरा जो है ना प्रमोशन नहीं कराते, ठीक है, तो तेरा चैनल तो यहाँ तक आगे बढ़ता ही नहीं। हम मसाला देते हैं लोगों को, हम सच्चाई लाते हैं, तभी जाके लोग तेरी वीडियोज़ आके देखते हैं। तो भीख जो है ना कौन किसको दे रहा है उसके बारे में तू ज़रा सोचना, क्योंकि तू तो हमको भीख नहीं दे रहा, हम सिर्फ तेरे टॉपिक पे बात करें लेकिन हम सच बोल रहे हैं और लोग हमारा सुन के ना फिर तेरी वीडियो आके देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तूने भी एक्सेप्ट किया था कि तेरा चैनल जो है कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा चैनल का प्रमोशन तो हम फ्री में करा रहे। तो दोगली औरत कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, तो तेरा ही बोला हुआ भूल जाती है कि तूने ही बोला था कि तेरा चैनल बंद नहीं हो सकता, कि हम जैसे लोग तेरे प्रमोशन करने बैठे। तो ये होता है असली भीख जो हम सालों से तुझे दे रहे चुपचाप से, हम हक जता भी नहीं रहे क्योंकि हमको जो है ना बराबर ना आता ही नहीं। तेरा जो है ना तेरा है ये चीज़, तेरे ब्लॉग में हमेशा मैं अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, ये बुरे, ये ऐसे लोग बोलते हैं, वो वैसे लोग बोलते हैं, खुद बोलती कि अपना रोड जो है वो भूलना नहीं चाहिए कि तुम कहाँ से आई हो। तो भी तो सब एरिया से आई है ना, तू भी तो जो है ना झोपड़पट्टी से उठ के आई है, तो तू स्लम से उठ के आके तू कैसे स्लम वालों को जो जलील करती है, तू बोलती कि मेरा बॉडी शेमिंग करते हैं लोग, तू भी तो बॉडी शेमिंग करती है ना, सना भाभी का, रिहाना आंटी का और नूर आपा का बॉडी शेमिंग करती है, उनके मेकअप का मजाक उड़ाती, उनका साइज़ का मजाक उड़ाती, कम से कम सना भाभी ने तेरे को चट्टी दिखाते तो तेरे को जो है ना बॉडी शेमिंग नहीं करा, या फिर रिहाना आंटी ने तेरे को ऐसा नहीं किया, या फिर नूर ने ऐसा नहीं किया,
तो तू जो ये ज्ञान देती रहती है ना, खुद तो नंगा नाच नाचती है सोशल मीडिया में, लेकिन ज्ञान बहुत देती है। तो पहले जो है ना खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे, और फिर बाकी का जो है ना दूसरों को बोलना, ज्ञान देना जो है ना, पहले खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारो, एक कहावत है। तो खुद चौल से उठ के आके, खुद स्लम एरिया से उठ के आके दूसरों को जो है ना, स्लम एरिया वाले को जो इंसल्ट करती है, खुद बॉडी शेमिंग करती है, फिर जब खुद के ऊपर आती है बात तो अल्लाह के वास्ता देने लग जाती है, अल्लाह रसूल का वास्ता देती है, बेचारी बन जाती, सिंगल मदर बन जाती, इनोसेंट बन जाती। आज भी तो अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि कासिम सत्तानी जो है मर चुके थे, हालांकि कासिम सत्तानी का जो है ना, जब तक वो जिंदा थे, उनका बुढ़ा होने तक का फोटोज भी हम चला के आए हैं, हमने सबको दिखाया है। इनफैक्ट मेरे तो कितने सारे व्लॉग्स में कासिम अंकल के बुढ़ापे के जो फोटोज है ना, उनकी बेटी बड़ी होने तक, उनकी बेटी के साथ तक, गुलशन सत्तानी के साथ भी उनका फोटो डाला। आज भी तो जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती है। और रही बात तेरे दूसरे फ्लैट की, तो तेरा जो दूसरा फ्लैट जो तू दिखाती है, तू सना भाभी को बोलती है कि इमरान भाई या सना भाभी के कौन से अपने वाले हैं, सगे वाले हैं, उन्होंने कहाँ पे वन बाय वन का घर लिया है, ऐसा है इनका घर तो ऐसा है, घुसते ही ख़त्म हो जाती है फलाना ढिमको, तो दूसरों को जो है ना ज्ञान देती है। कम से कम उनका जिनका भी घर है ना, वो अपने हक हलाल की मेहनत से कमाया, सिर्फ उन लोगों ने कमाया है, और ख़ुद के मेहनत से, किसी को इस्तेमाल नहीं किया, किसी को जो है ना चूना नहीं लगाया। और तो जो दूसरे जो तेरे फ्लैट की बात करती है, उसकी सच्चाई बताओ क्या पब्लिक को, कि वो जो बुढ़ा था जिसका वो फ्लैट था, जिसकी बीवी मर गई थी, बुढ़े की, और बुढ़े का बेटा बाहर जॉब करता है, बुढ़े के ही बेटा था, उससे कैसे तूने फ्लैट लिया था, जिसकी बीवी नहीं थी उसके घर में आना जाना था, तेरा भैया भैया बोल के उसका बेटा तो बाहर गाँव में रहता था, अदर कंट्री में रहता था, उसको तूने आधे से भी कम ज़्यादा पैसे दे के कैसे तूने फ्लैट लिया था। तो जो फ्लैट दिखा रही है ना, वो फ्लैट भी तेरा खुद का नहीं है, वो भी तूने उस बुढ़े को, जिसकी बीवी नहीं थी, वो बुढ़ा अब अपने बेटी के साथ बाहर रहता है, वो बुढ़ा अकेला रहता था वहाँ पे, उस फ्लैट में अकेला रहता था, उसको भैया बना के, उसके साथ छैया छैया करके, उसको चूना लगा के, फिर बुढ़े को भी यही धमकी दिया कि तेरे बेटे को बताओ क्या तूने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया, तेरे बेटे के जो ससुराल वाले हैं उनको बताओ क्या कि तूने मेरे साथ कैसा कैसा किया, ये सब तूने जो है ना बुढ़े को धमकी दे के बुढ़े से फ्लैट लिया था। अब जो बुढ़ा है वो बाहर रहता है अपने बेटे के साथ। तो जितने भी तेरे घर है ना, जितने भी तेरे घर है, तुझे बोलती है आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आज मैं इस मुकाम पे, तो जिस मुकाम पे है ना, वो भी तूने लोगों को जो चूना लगा के ही आई, अपनी मेहनत से नहीं है। तुझे बोलते हैं ना अपनी मेहनत से पहचान बनाओ, अपनी मेहनत से पहचान बनाओ, तूने कौन सा अपनी मेहनत से पहचान बनाई? और हाँ, सवाल हमारा, तो हम तेरी तरह जो है ना, हम अपनी मेहनत से अपने चैनल को आगे बढ़ाए, बोल बोल के गर्मी में, सर्दी में, रात में, दिन में, बोल बोल के एनर्जी वेस्ट कर करके हमने जो है ना अपनी मेहनत डाल के सोशल मीडिया में यहाँ तक आए, लेकिन इज्जत से आए, तेरी तरह नंगापंथी नहीं कर रहा, ठीक है? तेरी तरह डॉलर की तो बात बोलती है कि डॉलर चाहिए हमको, डॉलर चाहिए, हाँ भाई चाहिए, डॉलर तो तुझे भी चाहिए ना हमारी तरह, तभी तो सोशल मीडिया में जो है नंगापंथी करती, नंगा नाच नाचती, कभी इधर से दिखाती, कभी उधर से दिखाती, कभी इधर से दिखाती, नीचे से दिखाती। लेकिन हम जो है ना इज्जत के तरीके से कमाते हैं, हमको गिने चुने दिन में एक या दो कमेंट आते हैं जो नेगेटिव कमेंट, तो वो भी तेरा बोबला जो है ना, या तो अपना जो है ना फेक आईडी से करता होगा, या फिर तेरे जो इक्के दुक्के फालतू कुत्ते होंगे वो करते होंगे। लेकिन जितने भी लोग हैं ना हमको प्यार दुआ और बोलते ना ब्लेसिंग्स देते, प्यार देते, हमारी बातों से सहमत होते, हमने ऐसे कमाए डॉलर, हम ऐसे कमाते डॉलर। अब भाई तू नंगापंथी करेगी तो झूठ बोलेगी, तो हम तो बोलेंगे भाई, अब कोई नंगापंथी करा, कोई झूठ बोल रहा, इसके सच को अगर हम सामने ला रहे हैं तो इसको ये नहीं बोलते कि हम किसी के नाम से कमा रहे हैं, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तेरा सच जो है लोगों के सामने ला के, नहीं तो सालों साल तक तो पब्लिक को जो है चूतिया बनाती, इधर पब्लिक को ऑफ कैमरा गाली देती और इधर ऑन कैमरा बोलती आप तो मेरे फैमिली हो ना, आप लोग तो मेरी फैमिली हो, है कि नहीं, और इधर इनको गंदी से गंदी गालियाँ देती, इनके व्यूज से पैसे कमा के, तो हम वो नहीं करते हैं, हम अपनी बलबूते पर। आज लोगों को पता है कि इब्राहिम फैमिली ब्लॉग्स की जो होस्ट है उसका नाम आयशा है, आज लोगों को ये भी पता है कि नूना व्लॉग्स के जो होस्ट है उसको लोग नूर बुलाते हैं, आज लोगों को पता है कि नाजो इंडियन फैमिली व्लॉग मतलब नाजो इंडियन ऑफिशियल का चैनल जो है उसका होस्ट का नाम नाजो है, महामीर का महामीर है। तो जो है ना हमारा चैनल हमारे बलबूते पे है, लोग हमको जानते हमारे नाम से, ना कि तेरे नाम से जानते, ठीक है? और रहा सवाल जो है तेरे नाम का, तो हम अपनी बातों से अपनी जुबान से कमा रहे, भीख तो हम तुझे दे रहे, अरे पगली बुढ़िया लुच्ची जो तेरा फ्री का प्रमोशन करवा रहे, तू थोड़ी हमारा प्रमोशन करवा, तो अरे भीख की हमको जरूरत है भी नहीं, तू हमारा भीख ले 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 खा ले, अब तो हम तेरे बेटों को भी भीख दे रहे हैं, वो सना भाभी, इमरान भाई, रिहाना आंटी के नाम पे खा रहे हैं, भीख मांग रहा है, और साथ में प्रमोशन भी हम कर दे रहे हैं। और रहा सवाल जवाब देने का, तो तुझे समीर अंकल ने भी तेरे को जो है ना वार्निंग दी थी, क्या हुआ?
समीर अंकल और मरियम आंटी को जवाब नहीं दे रही है क्या वो बुड्ढी? बोल ना बोल ना, समीर अंकल और मरियम आंटी को जवाब नहीं दे रही, वो जो है ना जवाब देने का शौक है, रिकॉर्डिंग चलाने का शौक है। आशीष कहाँ गए? आशीष आशीष गायब हो गए क्या स्क्रिप्ट में से? आशीष की सच्चाई पता चल गई तो स्क्रिप्ट में से गायब हो गया। आशीष ने नाम अभी नहीं ले रही, तो बोल रही थी कि आशीष के बारे में बहुत कुछ बताएगी, वक्ता ने बताया क्या हुआ? वक्ता अभी तक नहीं आया। आशीष बोल रही थी, आशीष का नाम जप रही थी, अब आशीष कहाँ पे गायब हो गया? और रिकॉर्डिंग कहाँ गई? बहुत रिकॉर्डिंग चला रही थी ना, रिकॉर्डिंग कहाँ गई? रिकॉर्डिंग चला ना, फट गई। एक तो मरियम आंटी और समीर अंकल को जवाब देने की तेरी हिम्मत नहीं है, और दूसरी बात जैसी रिकॉर्डिंग गेट से तूने चालू करी, लेकिन पास आ जाए ना सना भाभी ने पलट लिया, तेरी रिकॉर्डिंग चला के जोरदार तमाचा तेरे गाल पे मारा। क्या मारा बूढ़े? हमेशा मैं अच्छी, ये बूढ़े मेरे बेटे अच्छा, ये बूढ़े, बस कितना खुद को अच्छा बताती है रे, कितना खुद को अच्छा बताती है। खुद के मुँह से तारीफ मत कर, लोग अगर तारीफ उसको बोलते हैं जब एक कोई एक हमारे बारे में अच्छा बोले, लोग अगर हमारे बारे में अच्छा बोले तो वो अच्छा होता है। खुद के मुँह से मैं ऐसी तो अगर ऐसी ऐसी होती ना तो वो आज तक ना बुढ़ी की रखेल ना होती, किसी की बीवी होती उसके साथ अपना बुढ़ापा जो है ना स्मूथली जो है ना चला रही होती और अपने ज़िंदगी में इज्जत के साथ जीती होती, तो इतनी भी अच्छी नहीं जितना तो खुद को बताती। तो इनफैक्ट तो अच्छी है ही नहीं। और हाँ सर, तुझे बोलते ना फिरौन की भी औलादे हैं और हमारे नबी की भी है, तो वो फिरौन की जो औलादे हैं ना वो तू है, ठीक है ना, रोज़े की ना, नमाज की ना, दीन की ना, अल्लाह की ना, रसूल की, तो वो तू है जो वक्त आने पे ना जब तेरे ऊपर बारी आ जाती है तो अल्लाह रसूल का नाम लेके किनारा ले लेती है, अल्लाह के दर पे चली जाती है, और नहीं तो फिरौन की तरह जो है ना खुद को खुदा मान लेती, मैं ये मैं वो फलाना। अबे बस कर भाई, बस कर, तू क्या है, सबको पता है अपने मुँह से कितना बोलेगी। अबे मैं अभी जाके लोगों को बोलूँगी कि मैं तो कटरीना कैफ, अरे मेरे खुद से मानने से क्या होता है भाई, कटरीना कैफ सिर्फ एक ही है। मैं जितना भी छाती टोक के बाल नोच के मैं कपड़ा उतार के बोल मैं कटरीना कैफ, उससे नहीं बन जाता। लोग अगर बोलेंगे हाँ तो कटरीना की तरह दिखती हो तो वो होता है सच, आई बात समझ में। और दूसरों को जाहिल बोलती, जाहिलों की सरदार। भाई तेरे सर्टिफिकेट तो दिखा तेरे और तेरी बेटे के, तुम लोग कितने एजुकेटेड हो, हम भी तो देखे कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हो। कटलेट को बोलती कटलेस, सोशल मीडिया को बोलती सोशल मीडिया, फिर उसको ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है। उस दिन बोली कि आई एम प्राउड माई सेल्फ, आज बोली आई एम प्राउड माई क्या सन, अरे आई एम प्राउड माई सन नहीं, अब प्राउड ऑफ माई सन होता है। इसको तो उर्दू भी नहीं आती, उर्दू हसद को बोलती हदस। भाई तो खुद को दूसरों को जाहिल बोलने वाले, खुद जाहिलों के सरदार तू तो, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ तेरे को। भाई तू एजुकेटेड अगर है ना तो एक काम कर, तो अपने सर्टिफिकेट बता, क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि तू एजुकेटेड है जो दूसरों को जाहिल बोल रही। खुद तो गलत बोलती, बोलना है गलत लेकिन फिर भी बोलना है, और दूसरों को जाहिल बोलना है। कटलेट सिंपल तो सिंपल सा वर्ड कटलेट, वो भी नहीं उसको बोलना आता। फिर आई एम प्राउड ऑफ माई सन को आई एम प्राउड माई सन बोलती है, इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंट डे बोलती है, फिर हसद को हदस बोलती है, और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया बोलती है। भाई तो कौन से एंगल से तो एजुकेटेड ही है, तो बता इंसान को ना या तो बोलचाल से समझ में आता है कि एक इंसान ये एजुकेटेड है, या फिर उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो भाई हमारे बोलचाल से तो हमको ये लगता है कि तू तो दूसरी पास आउट भी नहीं होगी। चल ठीक है, तेरे बोलने से हम मान भी लेते हैं कि तू तो दूसरी पास आउट है, लेकिन तू तो अपना सर्टिफिकेट तो बता। खुद को जो है ना गलत बोलने से पहले खुद, मतलब दूसरों को गलत बोलने से पहले खुद को सही करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लिया सना भाभी फिर रिहाना भी ये सब जाहिल है, तू जो एजुकेटेड ना उसका तो प्रूफ दे कम से कम कि भाई तू एजुकेटेड है, सर्टिफिकेट तो बता, तो सर्टिफिकेट तो हो गई तेरे पास। और रहा सवाल जो है ना, तो दूसरों को बोलती रहती है कि भाई वो लोग जो है 15 लाख की बात नहीं करते, तो वो लोग तो 15 लाख की बात कब से पूछ रहे हैं भाई, हम तो 15 लाख की बात कब से पूछ रहे हैं। इनफैक्ट व्यूअर्स भी तेरे से 15 लाख की बात पूछ रहे, लेकिन तू ही है जो बातों को जो है ना गोल 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 घुमा रही है। कम से कम चल ठीक है, मान लिया हम 15 लाख की बात नहीं कर रहे, तू तो कर रहे ना, कम से कम तू ही बता दे 15 लाख का क्या मैटर है क्या नहीं है, तू ही बता ना कि 15 लाख का क्या हुआ। हम तो कब से पूछ रहे, फिर भी तू जान अनजान बन रही, जान के भी अनजान बन रही, तो कम से कम तू ही बता दे। बार बार ये बात बोल के 15 लाख तो बात हो ही नहीं रही भाई, हम तो पूछ ही रहे हैं, अब बताना जवाब, हम तुझसे मांगे तो जवाब देना तेरा काम है। अब जिससे हमने सवाल किया वही अगर बातों को जवाब को अगर गोल गोल घुमाएगा तो फिर ये तो गलती हमारी बिल्कुल भी नहीं है। और बोलती कि मैं तो अपने जो है ना कमाई का आधे से ज़्यादा जो है ना डोनेशन में देती हूँ। हाँ भाई, हमने देखा है तुझे डोनेशन देते हुए, तू जब डोनेशन देती है ना तो तू जो है ना कैमरा में रिकॉर्ड करती है, और तुझे डोनेशन है ना वो भी चिल्ड्रनों में देती है। तो बोलते ना कमाई का जो आधे से ज़्यादा जो पैसे होते हैं वो मैं डोनेशन में देती हूँ, तो कितना डोनेशन देती है हमको पता है, इसका मतलब तेरी कमाई भी चिल्ड्रनों में
होगी ना, मुझे पता है कि तेरी जो असली कमाई है ना वो तेरी औकात चिल्लरों में है, क्योंकि तू चिल्लर जैसी इंसान ही है, तेरी औकात भी वही है, तेरी बातों से तेरे चाल ढाल से ही समझ में आता है। और तू कितना डोनेशन देती होता है, सबको पता है कैमरा में तू शूट जो करती है, तेरा जो कैमरा रिकॉर्डर जो होता है ना, क्या वीडियो रिकॉर्डर बेटा जो है वो तो शूट करता है, जो चिल्लरों में तो देती है सबको डोनेशन, वो हमने देखा हुआ है, उसके बारे में बात ना ही कर तो ही अच्छा कि तू कितनी डोनेशन करती है। सारा जो तेरा पैसा वो तू जो खुद की मुंह के लिपाई पत्ती होता है उसमें और ठूसने में जाता है, क्योंकि तो दिखेगी तभी तो बिकेगी, है कि नहीं है। तो तेरे ज़्यादातर पैसे तो तेरे वो मुंह की लिपाई पुताई में जाता है। और यहाँ पे तिल लगा ले तो तू नज़र के लिए, भाई तू खुद इतनी काली, तेरे को नज़र कौन लगाएगा भाई। हम जब छोटे थे तो हमको काला टीका लगाया जाता था कि नज़र ना लगे, बोलते थे कि काले कलर से नज़र नहीं लगती है, तो और काला धागा भी बांधते हैं कुछ कुछ लोग के नज़र ना लगे। और तू तो पूरी की पूरी काली है, तेरे को बुरापे में लटके ले जो है ना, तेरा तो सब कुछ लटक गया, तेरे को नज़र कौन लगाएगा भाई। हमको तो भाई हम इतने गोरे हैं, मेरे को देख नेचुरल तिल है, मेरे तो नेचुरल तिल है भाई, हमको भी काला लगाने, ये इसका मतलब ऊपर वाले ने जो है ना ये तिल मुझे नज़र ना लगने के लिए दिया है। और तेरे जो यहाँ पे थे ना लकी स्पॉट, क्या हुआ बुरा दिया, वो तो लकी स्पॉट थे ना तेरे, बुराने की क्या जरूरत, तू ही तो बोल रही थी कि ये लकी स्पॉट है, खानदानी है, तो कहाँ गए लकी स्पॉट भाई, वो क्यों उड़ा दिया। गाड़ का खोल ला के सर पे लगाती सुंदर बनने के लिए, बोलती डोनी आधे से ज़्यादा पैसा मैं डोनेशन करती, तो चिल्लरों में डोनेशन करती, वो हमने देखा है कैमरा में। और ज़्यादा बोलने का शौक है ना कि रिप्लाई देने का शौक है, तो भाई मरियम आंटी को रिप्लाई दे, समीर अंकल को रिप्लाई दे। अब तो समीर अंकल भी तेरे ना जाने लगे, तेरे को धमकी भी दी है यार, तुझे देखी कि नहीं देखी, तो सबका देखे तो तू देखती भी होगी, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि तू इतनी जलकुटरी, इतनी जलकुटरी, तो सबकी देखती, सब पे नज़र रखती, बोलती लहू मेरे पे नज़र रखते भाई, हम मेरे जो पैर का जो रंग है ना वो भी तेरे शक्ल से ज़्यादा गोरा है, तो तुझे नज़र दे मेरी जुत्ती, और मेरे बाकी दोस्त जो जिनको मैं जानती हूँ ना, सना भाभी रिहान आंटी, वो भी तेरे को नज़र ना दे, उनकी जुत्ती भी तेरे को नज़र ना दे, काली कलोंडी, एक तो शक्ल इतनी मनुष्य जैसी, और बोलती मेरे को नज़र रखती, इसलिए मैंने यहाँ पे तिल बनाया है, यहाँ पे तिल मेरे ऊपर वाले देखे नज़र ना लगे भाई, मेरे यहाँ पे ब्यूटी स्पॉट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भाई मेरे मैं शायद बला के खूबसूरत होंगी। वो तो बोलती है कि रिहाना आंटी को नज़र, जब भी मुद्दे की बात आती है तो रिहाना आंटी बोलती है उनको नज़र लग जाती है, कौन सा इतना खूबसूरत तारा, तो तू भाई कौन सा खूबसूरत तारा है, काली कलोटी गंदे मुँह की बासी से शक्ल की, कि तेरे को कोई नज़र लगाएगा, तुझे ना नज़र लग जाती, सूरज जाके तो बहुत जो है ना नज़र उतारी करवाती है तू अभिना आंटी से, तेरे को कौन सा नज़र लगता है, तू कौन सी खूबसूरत तारा है, बदसूरत बुढ़ी काली कलोटी कह, कि काली मैं ना बोलेगी कि मैं तो गंदगी में हाथ नहीं घुसाऊंगी, मैं बंद में हाथ नहीं डालूंगी, मैं गंदगी में नहीं पड़ना चाहती, बोल के सारी गंदगी इसके मुंह से खुद ही निकलती है, और अच्छी बात है। मैं तो बोलती तू बोल, मैं तो बोलती हूँ सोना भाभी को चुप नहीं होना चाहिए, तेरे को और जवाब देना चाहिए, क्योंकि तू जितना बोलेगी उतना ही तेरी सच्चाई जो है ना वो बाहर आएगी, और पब्लिक को ऑलमोस्ट 99% पब्लिक को पता चल गया है कि तू किस कैटेगरी की है। मैं तो चाहती हूँ तू और बोले, तू गंदगी में और उतर, तू बोले, और तेरी जो सच्चाई और अच्छाई है ना बहुत अच्छी बनती थी 3 साल से सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो नहीं भाई मैं इतना जो गलत इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो वो लोगों के सामने आए, बोले कि मैं तो भाई गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहती, हाथ नहीं डालना चाहती, बोल के पूरी गंदगी अपने मुंह से जो है ना वही बोल देती है, बक देती है, और पहले ही बोल देती, क्लैरिफिकेशन देती कि मैं तो गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहती, बोलना नहीं चाहती, मैं तो किसी के बच्चों के बारे में नहीं बोलना चाहती, बोल के बच्चों की आइडेंटिटी पर भी सवाल करते कि ये बच्चे किसके हैं, तब नहीं देखते बच्चे, तू जब ये सवाल पूछ रही कि ये क्या आशीष के ही बच्चे, तब बच्चे नहीं देखते, ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात कर रही। अब साली दोगली औरत अपने मुँह से मुखोटा उतार, ये अच्छे बनने का ढोंग है ना वो बंद कर भाई, क्योंकि सबने देख लिया तेरा असली रूप जो है ना, सबने देख लिया। 15 लाख की बात करती, 4 लाख का भी बात कर, रिकॉर्डिंग आई है सामने, वो रिकॉर्डिंग में तो तू ही थी ना खानदानी औरत, वो तेरी तू खानदानी औरत के ही तेरी आवाज़ थी ना, कि वो भी सना भाभी और इमरान भाई ने एडिटिंग की। अब बोल भरा उसके बारे में तो कुछ नहीं बोले, मुद्दे की बात नहीं होती। जब जब वो गाली गलौज की रिकॉर्डिंग आई सामने, या फिर सना भाभी इमरान भाई ने जो उसकी जो डाली है वो रिकॉर्डिंग अभी की वो डाली है वो आई सामने, उस मैटर में कुछ नहीं बोलेगी, बस इसके खानदान वाले को लेके आज कल के ब्लॉग में इसके खानदान वाले को लेके आ गई, उसके खानदान वाले को लेके आ गई, मतलब कि जो बेकार की बात है ना बेतुका, अरे सना भाभी की बहन ने 1x1 का घर लिया हो या ताजमहल लिया हो, उससे सना भाभी का और तेरे मैटर का क्या रिलेशन है मुझे बता दे। तुझे बोलती है ना कि सना भाभी की बहन ने 1x1 का घर लिया, उससे क्या लेना देना है इस मैटर का, तो मुझे बता, लड़ाई तेरी और सना भाभी की है, तो सना भाभी के ससुराल वालों को ला रही, बहन को भी ला रही, बोलती है कि सना भाभी ने अपने हाथ से सास को खिलाया गया, तू खिलाई थी क्या तेरे सास को हाथ से, तूने देखी भी है क्या तेरे सास, अरे तेरी कोई सास भी थी ये तो बता, तेरा कोई पति थी, पति भी था क्या, वो कासिम सत्तानी तो गुलशन सत्तानी का पति था, मरते दम तो गुलशन सत्तानी का पति रहा, और ये जो तेरा भाई का मरा था उसने खुद अपने मुँह से बताया कि तूने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैनेज किया, तो सना भाभी कम से कम एक ही बिल्डिंग
अपने सास पति देवर जी सबके साथ रह तो रही है, तेरे कम नसीब में तो पति बिना जुटा और ना ही सास जुटी, तो कौन सी बड़ी बड़ी बात करती है। अरे ये जो मैं का अच्छा गाना गा रही है ना, तो बंद बंद कर दे भाई, अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। 3 साल तक जितना जो बना दिया ना बना दिया, और मुझे तो लगता है ना इसकी उम्र की जो सुई है ना वो 50 में ही आके अटक गई, वो अगर और 10 साल या 5 साल भी सोशल मीडिया में रही ना तब भी उसकी उम्र 50 ही रहने वाली है। देखना उसका जो सुई का काटा है ना वो ना 51 का होगा ना 52 का होगा, मतलब 51-52 का भी नहीं होगा, वो 50 में आके अटका है, क्योंकि वो जानबूझ के वो जवान रहना चाहती, बुढ़ी नहीं बनना चाहती है, ये तो ऐसे ही लगता है। अयूब बोलता है स्कैनर भेज दे, अयूब बोलता है जी पे नंबर भेज दे। यार भाई अयूब कब बोलता है, क्योंकि अयूब ने जो जो बोला है, तेरा जो पति है पति परमेश्वर है जो तुझसे कितना सच्चा प्यार करता है, वो तो पूरे सोशल मीडिया में उसने अपना सच्चा प्यार जो है ना अपना दिल खोल के अपना सच्चा प्यार हमको बताया, सोशल मीडिया के पब्लिक को बताया कि वो तुझसे कितना सच्चा प्यार करता है, दिल खोल के उसने बताया। लेकिन ये वाला जो सच्चा प्यार है ये अयूब बोलता है कि तू अपने दिल से बोलती है कि स्कैनर भेज मैं पे कर दूंगा। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि भाई ये पार्ट दिखाई नहीं दिया, और भाई मुझे ये समझ नहीं आता इसके रिश्तेदार भी इनविजिबल होते हैं, इसके दोस्ता भी इनविजिबल होते हैं, और इसके घर में गेस्ट भी आते हैं तो भी वो भी इनविजिबल होते हैं। वैसे तो दुनिया भर की फालतू चीज़ें वो दिखाएगी, ठीक है चड्डी तक दिखा दी उसने वीडियो में, लेकिन जब भी उसके कोई घर में गेस्ट आता है तो ना गेस्ट के जूते दिखते हैं, ना गेस्ट के खाने पीने का जो कप ग्लास कटोरा जो भी होता है वो दिखते हैं, ना उसके रिश्तेदार कभी दिखाई दिए, और जो कल ये मिलने गई ना वो दिखाई दिए, कि ये सारे क्या मिस्टर इंडिया के खानदान के, मुझे लगता है। क्योंकि वैसे तो बहुत वाहियत चीज़ें वो दिखाती, पूरे ब्लॉग में बकवास करती रहती, हर एक भाई को खींच खींच के वो कैमरा के सामने लेके आती, लेकिन जब भी उसके घर में कोई दोस्त आते वो नहीं दिखते हैं, जब भी उसके घर में रिश्तेदार आते या फिर वो किसी रिश्तेदार के घर में जाते वो भी नहीं दिखते हैं, और किसी दोस्त से मिलते हैं तो वो भी नहीं दिखते। उस दिन वो मच्छी वाली के बहू के बर्थडे में गई, वो तक उसने दिखाया, ठीक है, लेकिन जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे मिलने जाते हैं वो नहीं दिखाती। और तो सना भाभी की बहन की बात करती है, भाई तू कम से कम उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता तो है, आना जाना है, हमने भी देखा शादी में सब कुछ सेलिब्रेशन वगैरह एंजॉयमेंट करना वो तो है, एटलीस्ट तेरी तो बहनें भी नहीं दिखती। भाई तेरी बहनें कहाँ है, तो दूसरों की बहनों की बात करते, कभी कभार अपनी बहनों को भी दिखाते झलक। वैसे इनकी बहनों की फ़ोटो तो मैंने लगाई है मेरी वीडियो में, हाँ इसकी बहनों की फ़ोटो उसके साथ देखना कोई वीडियो में होगा, मैं लिंक में नहीं लगा सकती मेरे पास उसका टाइम भाई, लेकिन तू अपनी बहनों को तो दिखा भाई, तो दूसरों के बहनों पे चली जाते, सास पे चली जाती, ना तेरा माँ का पता, माँ का चल तू माँ का तो हर जगह लगाते, ना तुझे तेरा बाप का पता है, ना तुझे तेरे खानदान का पता है, ना तुझे तेरा पति का पता है, ना पति के खानदान वालों का पता है, ना तेरे सास ससुर का पता है, तो दूसरों के ऊपर चली जाती। भाई पहले खुद खुल के तो बस अपने 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 वालों को तो दिखाते, बस एक जो है ना दिखावे की ज़िंदगी जी रही, ये मेरे पति है ये मेरे खानदान है, कौन सा खानदान भाई, वो कौन सा खानदान, वो दूसरे पति के पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो तेरा खानदान वानदान नहीं है, वो तेरा खानदान नहीं है भाई, मेरी भी सौतेली माँ है, अब मैं आ गई मेरे यहाँ पे, अब मैं आ गई अपने घर पे, तो मैं कौन सा अपनी सौतेली माँ का खानदान, क्योंकि कौन सा मैं हर जगह अपनी सौतेली माँ के साथ दिखती हूँ भाई, मैं अपना खानदान बना रही हूँ यहाँ पे, तो अपना खानदान दिखा ना, तो अपना खानदान दिखा दूसरों पे जाने से पहले। और भाई अर्षय के साथ गोवा वाली कांड तो मैं कल बताऊंगी, अर्षय के साथ तो बहुत लेडीज़ों की ना तो बहुत लेडीज़ों की वाइस प्रेसिडेंट बनती है ना, कि लेडीज़ों के लिए मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए, ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो तूने अर्षय के साथ गोवा में क्या किया तो उसका कांड तो मैं बताऊंगी। बोलती है कि हमारे यहाँ की पुलिस मुझे पकड़ में ले लेती है, अरे मुंबई में कितने जो है ना 2 नंबर ही का ही काम होता है, सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जान पहचान के व्यूअर्स को ही पता है कि इससे ही कमाते हैं, ठीक है, और पुलिस भी आजकल जो है ना करप्ट हो चुके हैं, पैसा दो मुंह बंद करो और वो चले जाते दूसरे रास्ते से। ये जो पुलिस की जो है ना देखे तो बचने की कोशिश करती कि पुलिस मुझे कब कब पकड़ लेती, तो कमीशन देखे मुंह बंद करवाते, जैसे बाकी लोग कमा रहे हैं दूसरे तरीके से 2 नंबर के तरीके से, कमीशन देखे वो लोग भी मुंह बंद करवाते, उनको कौन सा घर से उठा के लेके जा रहे, तो ये बात तो छोड़ के ही कर। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। स्वामी याद रखिए की दरख्वास्त है, कल मैं लाइव नहीं आई थी क्योंकि मेरी शक्ल देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी तबीयत सही नहीं थी, आज भी सही नहीं है, बट स्टिल मैं आज चाहे आंधी आए तूफान आए या सारा सप्तमी आए मैं आज लाइव आऊँगी तो आऊँगी, साथ में नाजू भी आ सकते हैं, देखती हूँ पूछ के नाजू का, अगर वो फ्री रहेगी तो आ जाएगी, और फ्री नहीं रहेगी तो देखा जाएगा, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, तो आज की बाकी दरख्वास्त, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें यार, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यार तबीयत ख़राब लेके हुए मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर आप कमेंट करके अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर मज़ा ना आएगा। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।